राजस्थान विधानसभा चुनाव के इतिहास में 1990 का चुनाव के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज है। 1951 से लेकर 2013 तक हुए 14 विधानसभा चुनाव में वर्ष 1990 में सर्वाधिक प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था। राज्य में 200 सीटों पर 2136 तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े थे, जिनमें 78 सीटें तो ऐसी थी जहां 15 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। 1990 के विधानसभा चुनाव का अनूठा इतिहास। राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े गए थे चुनाव, टिकट मांगने वालों में मची थी होड़, राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज हुए थे धराशाही। असल में इस चुनाव में राज्य स्तरीय मुद्दों की बजाय दो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बोफोर्स और राम मंदिर हावी थे। इस चुनाव में 3,088 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया। इनमें से 2,624 की जमानत जब्त हुई। भाजपा ने 128 सीटों पर चुनाव लड़कर 85, कांग्रेस ने सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़कर 50 और जनता दल ने 120 सीटों पर लड़कर 55 सीटें जीती थी। आइए अब हम आपको राजस्थान विधानसभा चुनाव के इतिहास से रूबरू कराते हैं, जो आपको बताएगा कि आज़ादी के बाद से कितने प्रत्याशियों ने अपना भाग्य चुनाव में आजमाया था। वर्ष 1951 में 160 सीटों पर 623 प्रत्याशी जबकि 230 निर्दलीय थे। 1957 में 160 सीटों पर 653 प्रत्याशी थे जिनमें 324 निर्दलीय थे। 1962 में 176 सीटों पर 890 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई जिसमें 390 निर्दलीय थे। 1967 में 184 सीटों पर 892 प्रत्याशी थे जिसमें 434 निर्दलीय थे। 1972 में 184 सीटों पर 875 प्रत्याशी थे जिनमें 355 निर्दलीय थे। 1977 में 200 सीटों पर 1150 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई जिसमें 728 निर्दलीय थे। 1980 में 200 सीटों पर 140 प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना भाग्य आजमाया और इसमें 750 निर्दलीय थे। 1985 में 200 सीटों पर 1504 प्रत्याशी थे जिनमें 995 निर्दलीय थे। 1990 में 200 सीटों पर सर्वाधिक प्रत्याशी 3,088 थे जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई जिसमें निर्दलीय 2,136 थे। 1993 में 200 सीटों पर 2,437 प्रत्याशी थे जिसमें निर्दलीय 1,506 थे। 1998 में 200 सीटों पर 143 प्रत्याशी थे जिसमें 604 निर्दलीय थे। 2003 में 200 सीटों पर 1,541 प्रत्याशी थे जिसमें 556 निर्दलीय थे। 2008 के चुनाव में 200 सीटों पर 2,194 प्रत्याशी थे जिनमें 1,023 निर्दलीय थे। 2013 में 200 सीटों पर 2,296 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई जिसमें 758 निर्दलीय थे। राजस्थान विधानसभा का इतिहास अपने आप में अनूठा है। चुनाव से पहले टिकट के दावेदारों की भीड़ हमेशा से सियासी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब रही है। ऐसे में प्रदेश के मौजूदा हालातों को देखकर यह तो तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार टिकटार्थियों का ऐसा हुजूम जुट सकता है जो पुराने रिकॉर्डों को भी तोड़ दें।